भेड़िया और सात छोटे बकरे। एक बार एक जगह में एक वृद्ध बकरी माँ एक सुंदर छोटी झोपड़ी में रहती थी। उसके सात छोटे सुंदर बच्चे थे। उनके झोपड़ी के सामने ही एक बड़ा बुरा लालची भेड़िया रहा करता था। उसे उन सबको खाने की लालसा थी। एक दिन बकरी माँ को बाहर जाना था और अपने बच्चों के लिए खाना लाना था, इसलिए उसने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम सबके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाने के लिए मैं जंगल जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक दरवाजा मत खोलो। यदि बड़ा बुरा भेड़िया हमारे झोपड़ी में आया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो नीच स्वयं वेश बदल कर आता है, किंतु उसे पहचानना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसका स्वर कठोर है, पैर काले और नाखून नुकीले है। प्यारी माँ, हम बहुत ही सावधानी से रहेंगे। उस बड़े बुरे भेड़िये को अंदर नहीं आने देंगे। हमारी चिंता मत करना, हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसा कहकर बकरी माँ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। प्यारे छोटे बच्चों, कृपया दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, मैं गाना भी गा रही हूँ। एक छोटे बच्चे ने खिड़की से दरवाजे की तरफ लाल मिर्च पाउडर फेंक दी। उस बड़े बुरे भेड़िये को बहुत बहुत जलन होने लगी। वो उसकी आंखें नहीं खोल सकता था और वो इधर उधर मदद के लिए दौड़ने लगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारे माँ का सर मुलायम और शहद जैसा कोमल है। तुम्हारा सर रुक्ष और कठोर है। तुम बड़े बुरे भेड़िये हो, हम तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। बड़े बुरे भेड़िये को ये उत्तर सुनकर बहुत ही निराशा हुई और वो शहद का कोष ढूंढने के लिए भाग गया। उसे वो खाना था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ शहद ही उसका स्वर मुलायम और कोमल बना सकता है। जल्द ही उसे एक पेड़ पर शहद का कोष दिख गया। स्वयं के लिए शहद का कोष निकालने के लिए उसने उसकी तरफ एक पत्थर फेंका। मधुमक्खियां उड़ी और उसे काटने लगी। स्वयं को बचाने के लिए वो पास के तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद मधुमक्खियों के वहां से जाने पर उसने शहद खाया और झोपड़ी की तरफ भागा और दरवाजा खटखटाया। प्यारे छोटे बच्चों, अब आप दरवाजा खोलिए, अब निश्चित मैं तुम्हारी प्यारी माँ हूँ। अगर तुम हमारी माँ हो तो दरवाजे की दरार में अपने पैर रखो, हम आपके पैर देखना चाहते हैं। भेड़िये ने छोटे बकरे के कहने के अनुसार किया। उस दरार में उसने अपना पैर रखा। बच्चों ने देखा कि वो पैर काले थे और उनमें से एक बच्चे ने बड़ी हथौड़ी से उस पर वार कर दिया। बड़ा भेड़िया दर्द के साथ जोर जोर से रोने लगा। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ के पैर सफेद और तुम्हारे काले हैं। धोखेबाज बड़े बुरे भेड़िये, निकल जाओ। उस वक्त सच में भेड़िये को बड़ा गुस्सा आया। वो फिर से मिस्टर मिलर को मिलने के लिए गांव की ओर भाग गया। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, उसे दूर भगाने के लिए गांव के लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन चोट आने पर भी वो भेड़िया मिस्टर मिलर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। सुनो चक्की वाले, मेरे पैरों पर थोड़ा आटा डालो, वरना इसी पल मैं तुम्हें काट खाऊंगा। चक्की वाला बहुत ही घबरा गया, इसलिए भेड़िये ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। बाद में बड़ा बुरा भेड़िया फिर से बकरी की झोपड़ी की तरफ भागा। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब तुम जरूर दरवाजा खोलोगे, क्योंकि अब तुम्हारी माँ आ गई है। शैतानी मत करना। हाँ, तुम्हारा पैर दिखाओ। लेकिन इस बार दरवाजे की दरार में सफेद पैर रखने से भेड़िये को डर लगने लगा। खापने वाले पैर उस दरवाजे की दरार में आ गए और बच्चों ने नुकीले और तेज नाखून देखे, इसलिए उनमें से एक ने चूहे का जाल लिया और जल्द ही उसके पैरों को चूहे का जाल अटकने पर उन्हें भेड़िया दर्द से रोता हुआ दिखने लगा। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो,
तुम्हारे नाखून उस बड़े भेड़िए जैसे नुकीले हैं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इस बार भेड़िया बहुत ही भूखा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे उससे कैसे चालाक निकले। अब उसे किसी भी कीमत पर वे खाने के लिए चाहिए ही थे, इसलिए वो खुद की झोपड़ी की तरफ भागा। उसने नाखून निकालने का किट निकाला और उसने नाखून काट दिए। बाद में उसने उन्हें अच्छा किया, इसलिए वो नुकीले और तेज नहीं रहे। बाद में वो फिर से बकरी के झोपड़ी की तरफ भागा, दरवाजा खटखटाया और उसने कहा, मेरे प्यारे शैतान बच्चों, सिर्फ दरवाजा खोलो, अब तैयार रहो, इस बार मैं तुम्हें चौंका दूंगी। हमें आपके पैर दिखाइए माँ। दरवाजे की दरार से भेड़िए ने अपने पैर अंदर डाले। वो बहुत घबराया था क्योंकि अब आगे क्या होने वाला था उसे पता ही नहीं था। वो पैर सफेद थे, उस पर कोई भी नुकीले नाखून नहीं थे और स्वर भी उनकी माँ की तरह मधुर था। इसलिए बच्चों ने भी सोचा कि इस बार सच में ये हमारी माँ ही होगी और उन्होंने दरवाजा खोला। स्वागत है माँ, आखिर तुम घर आ ही गई। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर आ गया और सभी छोटे बच्चे स्वयं को छुपाने के लिए दौड़ने लगे। पहला बच्चा टेबल के नीचे छिप गया, दूसरा बच्चा बेड के नीचे छिप गया, तीसरा बच्चा अवन में छिप गया, चौथा बच्चा मटके के पीछे छिपा, पांचवा बच्चा अलमारी में जाकर बैठ गया, छठा बच्चा धुलाई के टब के नीचे छिपा और आखिरी बच्चा घड़ी में छिप गया। उस भेड़िए ने हर एक की शिकार की और सबको खा गया, सिर्फ एक को छोड़कर जो घड़ी में छिपा था। बाद में भेड़िया निकल गया और हरे घास पर जाकर सो गया। वो थका हुआ और संतुष्ट था, इसलिए वो सो गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। जब बकरी माँ जंगल से घर आई, उसने देखा कि दरवाजा खुला है और घर में कोई नहीं है। हे भगवान, दरवाजा खुला है, यह क्या हुआ? टेबल और कुर्सियाँ उनके मूल जगह पर नहीं थी, धुलाई का टब टूटा था और बिस्तर भी ठीक नहीं था। कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चों? प्यारी माँ, मैं यहाँ हूँ, उस ऊंची घड़ी में। छोटे बकरी को बाहर निकालने के लिए माँ ने मदद की। जल्द ही उसने सुना कि किस तरह उस भेड़िए ने उसके बच्चों को खाया था। बाद में वो झोपड़ी के बाहर आई और उसने घास पर लेटे भेड़िए को देखा। जैसे ही उस बकरी ने बड़े बुरे भेड़िए की तरफ देखा, तब उसे उसके पेट में कुछ हलचल दिखी। अरे मेरे प्यारे बच्चे अब भी जिंदा है, अब मैं उन्हें वापस लाऊंगी। इसलिए उसने अपने छोटे बच्चे को कैची, सुई और थोड़ी रुई लाने के लिए घर में भेज दिया। उसने घृणा के साथ उसका पेट कैची से फाड़ा और उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आया। बाद में जल्द ही दूसरा बाहर आया। उसने उसके सभी बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर निकाल लिए थे। सारे बच्चे कूद कर अपनी माँ के पास आ पहुँचे। जाओ और मेरे लिए झरने से कुछ बड़े पत्थर ले आओ। अभी लाए माँ, जल्दी चलते हैं। उन सातों ही बच्चों ने झरने की तरफ दौड़ लगाई और जल्द ही सात बड़े पत्थरों के साथ वे लौट आए। उन्होंने वे पत्थर उस बड़े वृद्ध भेड़िए के पेट में रख दिए। अब मैं धीरे से भेड़िए को सीने वाली हूँ, आप शांत रहो क्योंकि वो जगने ना पाए। जल्द ही उसने भेड़िए का पेट सी दिया। थोड़े वक्त में आखिर में जब वो बड़ा बुरा भेड़िया जग गया, उसके अंदर के बड़े पत्थर उसे बहुत ही भारी लगने लगे। मेरे पेट से ये कैसी आवाज आ रही है, इससे मुझे चक्कर आ रहा है, ये तो उन सब की हड्डियां होंगी, किंतु ये इतनी भारी कैसे हो गई पत्थर के जैसी। इसलिए वो पानी पीने के लिए झरने की तरफ गया, लेकिन जैसे उसने पानी पिया वो पत्थर और ज्यादा भारी हो गए, इसलिए वो उस गहरे पानी में ही गिर गया और डूबकर मर गया। कहानी पूरी हुई।